हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे स्टूडेंट्स आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे मैं सामने से वीडियो क्यों नहीं बना पा रही हूँ आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड बिकॉज मैं लास्ट टू थ्री वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हेल्थ का बहुत ज़्यादा इशू है उसके कारण मैं सामने से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ बट आपको अप टू डेटेड रखना आपको सही और सटीक जानकारी टाइम पर देना मेरी जिम्मेदारी है तो वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी अभी अगर हम बात करें यहाँ पर यू का यू का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अनफेयर मीन्स इसका होता है और अगर आप कोई अनफेयर एक्टिविटी करते हो तो आपका UFM बन जाता है जब आप examination देते हैं तो है तो है? किन -किन है? दिखाऊंगी और यह भी बताने वाली हूं कि, कि कितने स्टूडेंट्स पकड़े गए इस बार एग्जाम्स में सो so, एक हमें नोटिस देखने को मिला था न्यूज़पेपर में न्यूज जिसमें कि यह बताया गया कि 36 छात्रों की टोटल इस बार यूएफएम बनी है एकेटीयू एग्जामिनेशन में ठीक है छात्र पकड़े गए लगने के बाद क्या होता है क्या आपको एक मौका मिलता है खुद खुद को को बचाने का खुद को प्रूव करने का किन किन कारण से यूएफ लग सकता है तो सबसे पहले जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाएं तो आपने देखना होता है कि जिस बेंच पे आप बैठे हुए हैं वहां पे किसी ने कुछ लिखा तो नहीं हुआ है यूएफएम कैसे लगता है वो भी बताऊंगी फिर उसके बाद सेकेंड थिंग होती है कि भई आपकी जो बेंच पे कोई कागज़ वगैरह तो नहीं रखा है दूसरी चीज़ आपकी पॉकेट में आपका मोबाइल तो नहीं है आपके पॉकेट में आपके पास कोई स्लिप तो नहीं है कोई पर्ची तो नहीं है चिटिंग के लिए या कुछ उस पर लिखा हुआ तो नहीं है है ना ये सारी चीज़ें होती है तो आपके बेंच के साइड में कोई पर्चा तो नहीं पड़ा है कोई चिट तो नहीं पड़ी है क्योंकि जब टीचर आता है एग्जामिनर आता है अगर वो आपकी कॉपी पर रेड मार्क कर दें है ना या फिर जो चेकिंग आती है वो आपकी कॉपी पर रेड मार्क कर दे तो इसका मतलब है कि आपका यू एफ एम बन जाता है अब ये होता है यू एफ एम अगर आपकी कॉपी पर पे रेड पेन चल गया मार्क हो गया कहीं तो इसका मतलब है कि वो यू एफ एम में काउंट होता है दूसरी चीज़ आप चिटिंग करते हुए पकड़े गए आप ऐसी एक्टिविटी करते हुए पकड़े आप पीछे देख रहे हैं बार बार आप गर्दन घुमा रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है तो उस केस में भी ऐसा टीचर कर सकता है गुस्से में आगे लेकिन सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है चिट अगर आपके पास चिटिंग पकड़ी गई तो फिर उसके बाद बात होती है कि यूएफएम लगने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो यूएफएम लगने के बाद आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जीरो मिलेगा मिल सकता है दूसरी चीज इसमें आपके पूरे सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में आपको जीरो मिल सकता है तीसरी चीज आपका ईयर भी बैक कर सकता है यूनिवर्सिटी वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर आपके टीचर के ऊपर ठीक है थर्ड ए के टी यू का इंस्ट्रक्शन उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शोषिक सत्र 2022-23 की परीक्षा जो दिनांक 4 जनवरी 2023 से 28 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित की गई थी उनमें जो छात्र छात्रा अनुचित साधन प्रयोग यू के अंतर्गत पाए गए वह छात्र छात्रा प्रार्थना पत्र द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक पंद्रह मार्च दो तक उद्योग हस्ताक्षरी कार्यालय के ईमेल ए एट द रेट जीमेल डॉट कॉम पर प्रेक्षित कराना सुनिश्चित करें ताकि उक्त छात्र छात्रा के परीक्षा फल के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत पक्ष का समिति वदारा अवलोकन पर यथोचित निर्णय लिया जा सके यदि किसी छात्र छात्रा द्वारा उक्त निर्धारित तिथि के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह मान लिया जाएगा कि संबंधित छात्र छात्रा को कुछ नहीं कहना है साथ ही सूचित कर कराना है कि स्पष्टीकरण देते समय आ, अनु कमांग एवं संबंधित विषय कोड अवश्य लिखा जाए और ईमेल एक ही बार किया जाए अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित छात्र छात्रा को सूचित कराना सुनिश्चित करें इन्होंने यहाँ पे क्लियर बोल दिया है कि अगर कोई अपना स्पष्टीकरण देना चाहता है खुद को प्रूव करना चाहता है तो उसके लिए जो इन्होंने ई मेल बताई है ए एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस पर जो भी स्टूडेंट का यू एफ एम बना है या ऐसी अनफेयर एक्टिविटी करते हुए वो पकड़ा गया है या गलती से ऐसा हुआ था लेकिन उसकी गलती नहीं थी किसी ने फेंक दी थी चिट उसकी बेंच पे किसी ने जानबूझ के रख दिया था उसका नहीं था या फिर जो भी उसे अपने पक्ष में बोलना है वो ईमेल के द्वारा बोल सकता है इससे क्या होगा कि अगर ए को लगता है कि हाँ आप सही बोल रहे हैं वैसा कुछ आपने नहीं किया था तो आपका यहाँ पे रिजल्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से आएगा आपकी कॉपी भी प्रॉपर तरीके से चेक होगी और आप यू एफ एम से भी रिलीज़ हो जाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए एक मौका है अदरवाइज़ आपको पता ही है टेंथ ट्वेल्थ में तो ये मौका भी नहीं मिलता है और डायरेक्टली बच्चे को तीन साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है तो यहाँ पर तो फिर भी आपको मौका मिल रहा है और लगभग ये यू एफ एम जो है वो कैंसिल हो ही जाता है अगर आप ई मेल और एक परफेक्ट मेल लिख के भेजते हैं राइट सो आई होप आपको आज का वीडियो और आज की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा सुपरब लगी होगी इफ़ अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है बी एस फार्मेसी को हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना जरूरी है इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक ईच एंड एवरी वेयर बी एस फार्मेसी अवेलेबल है तो आप जाके विजिट करें ज्वाइन करें टीचर्स लाइव भी आते हैं और अगर मैं बात करूँ सेकेंड सेमेस्टर की या फोर्थ सेमेस्टर की तो ये आपके इवन से हैं इनमें आप जितना जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें कोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं बी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऐप का आप जाके विजिट कर सकते हैं कोर्सेज में आप ज्वाइन करने से पहले डेमोज देखें अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप कोर्स में ज्वाइन करें विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर कोई भी आपको अपडेट लेनी हो कोई भी आपको कंफ्यूजन हो डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा उसके रिगार्डिंग में वीडियो जरूर आपको प्रोवाइड करवाऊंगी थैंक यू सो मच